हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग। समय शाम के 6 बज रहे हैं गाइस। तो फाइनली आज हम आए थे घूमने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हरियाली, मौसम कितना अच्छा लगता है शाम का टाइम घूमने में, आपको पता ही होगा। तो आज हम लोग खेत पे आए थे घूमने। यहाँ पे मैं बाजरा बोया था, तो हमारे साथ एक ऐसा सीन हो गया गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बछड़ा यहाँ पे हमारे बाजरे में उसको खा रहा है बाजरे को। तो गाइस चलिए हम लोग इसको मारते हैं और भगाते हैं यहाँ पे। तो गाइस चलिए कुछ खा लेने दो, बेचारों को भूखा होगा, पता नहीं कितने दिन से भूखा होगा। तो गाइस इसको हम मारने वाले नहीं है, बट इसको थोड़ा 10-15 मिनट के बाद इसको हम भगा देंगे। बट गाइस यार चलो ऐसे भी आप लोग करिएगा। अगर कोई भी बछड़ा आपके खेत में पड़ा हो तो उसको मारिएगा मत यार गाइस, प्लीज़ आप लोग से यही निवेदन है। उसको भगाइएगा भी मत, थोड़ा मोड़ा चर लेने दीजिएगा ताकि वो भी जी सके, अपनी ज़िंदगी को जी सके। तो गाइस ऐसे ही बेजुबानों को मारने से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गाइस वो भी किसी का बच्चा होता है गाइस। तो आप हमारे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को जरूर से दबा देना। तो गाइस चलिए थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, उसको पास से ले चलते हैं, दिखाते हैं। सो गाइस तो हम खेत में आ चुके हैं, देख सकते हैं वो भाग रहा है गाइस, हमको देखकर डर रहा है। बट कोई नहीं गाइस, अगर चला जाएगा तो चला जाएगा, नहीं तो हम इसको मारेंगे अपने से, भगाएंगे इसको खेत में से नहीं, क्योंकि ये भी किसी बेजुबान है, जानते हैं आप लोग इसको कि आपके भी खेत में कोई ऐसा हो तो उसको भगाएगा मत प्लीज़, आपसे ही हमारा अनुरोध है। क्योंकि वो भी किसी का बच्चा होगा, वो भी कितने दिन से भूखा होगा आपको पता नहीं होगा। तो गाइस ऐसे लोग, ऐसे बेजुबानों को आप ही, आपके सारे ही वो जीते हैं, इसीलिए आपको बछड़े लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोग को उसको बड़ा करके जंगलों में छोड़ देना चाहिए, जहाँ के चारा वारा मिल सके गाइस। ऐसे एरिया में देख सकते किसानों को कितना घाटा जा रहा है, ये सब चल रहा है तो उसको फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें इस समय इसको पानी बरसेगा तभी अच्छा होगा, इसको खाकर वो मर भी सकता है, इसलिए हम भगा सकते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को जरूर दबा देना ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए, हमारे चैनल को जरूर दबा देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।